क्या क्या हो गया? वेलकम बैक टू आवर चैनल हिमानी पांचाल्स व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी टाइम से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी और काना की दोनों की तबीयत ख़राब थी और अभी भी प्रॉपर ठीक नहीं हुए हैं। काना अभी खेल रहा है और काफ़ी वीक हो गया है। काना, काना से हाय हाय बोलो, हेलो करो, हेलो। काना अपनी गदा के साथ अभी खेल रहा है और अभी इसको बात भी नहीं करा रहे हैं क्योंकि इसको निमोनिया की शिकायत बताती थी डॉक्टर्स ने, तो इसी वजह से नहला नहीं रहे थोड़ी सी ना ऐसी स्पंजिंग वगैरह करके। तो अभी इसको मैंने कपड़े वगैरह चेंज नहीं करे स्पंजिंग करके। और एक और गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। काना एक मिनट, रोते नहीं है बेटी। न्यूज़ ये थी गाइज, हमारे घर में दूसरा बेबी आ चुका है। हाँ, दीदी की डिलीवरी हो चुकी है कल। एक्चुअली कल शूट नहीं कर पाई क्योंकि एकदम से उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और फिर हमारे घर में अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो बस काम में लगी हुई थी तो टाइम नहीं निकाल पाई वीडियो शूट करने के लिए। और काना भी कल थोड़ा परेशान कर रहा था इस वजह से, है ना। तो कल डिलीवरी हो गई है और बेबी गर्ल हुई है कि बेबी बॉय, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में अपडेट कर दूंगी। और उसी के साथ आज मेरा बर्थडे भी है, मैं अपने बर्थडे का सेलिब्रेशन आज तो नहीं करूँगी, मे बी जिस दिन बेबी आए शायद उस दिन करूँ क्योंकि सब लोग इकट्ठा होंगे तो उसी दिन केक काटने में अच्छा लगेगा, सब लोग होंगे तो सेलिब्रेशन करने में मज़ा कुछ अलग ही होगा। इसी वजह से आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि एक तो तबीयत भी ठीक नहीं है थोड़ी और खाना भी काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया हर टाइम ये थोड़ा सा ना, मतलब ऐसे रोता रहता है, मतलब गोद में रखो तो ही चुप रहता है अदरवाइज ये रोता ही रहता है। और ऐसे ऐसे में इसको अकेला छोड़ने का भी मन नहीं करता और काम भी है थोड़ा घर में, तो देखते हैं सेलिब्रेशन का तो बाद में। अभी आपको मैं अपडेट करती रहूँगी जैसे जैसे होता रहेगा, जेंडर रिवील, फेस रिवील सब आपको देखने को मिलेगा चैनल पर। और अभी कर लेते हैं थोड़ा घर का काम, उसके बाद में शायद दीदी आ जाए क्योंकि ये लेने के लिए गए हैं बड़ी वाली दीदी को, अब जापे का टाइम है तो उनको तो लेके आना ही था। तो सबसे पहले मैं अपने बाबू को नेबुलाइज़र दे रही हूँ। मेरे को अपने बाबू को ऐसे देना पड़ता है नेबुलाइज़र, तो नेबुलाइज़र मास्क है इसके थ्रू मैं डाल कर देती हूँ। डॉक्टर ने भी बोला हुआ है, मतलब 5 दिन का कोर्स था, उसके बाद भी इसका ना चेस्ट क्लियर नहीं हुआ था तो फिर 3 दिन की दवाइयाँ और बढ़ा दी थी। और फिर मैं आई हूँ किचन में, किचन का हाल अभी ऐसा है क्योंकि खाना जब रोने लगता है तो कुछ भी काम नहीं करने देता, तो अब वो सो गया है थोड़ी देर के लिए, तो मैं अब फटाफट से पहले सब कुछ क्लीन करूँगी। मेरी किचन क्लियर हो चुकी है और अब मैं दूसरा कोई काम देखूंगी घर में क्योंकि काफ़ी काम हो रखा है। और ये दीदी के बच्चे आ गए हैं, दीदी अभी हॉस्पिटल में ही रुकी हुई है मेरी जेठानी के पास और मैं दोपहर की डोज दे रही हूँ खाना को। का सीन ये है कि अभी मिस्त्री तो गए नहीं है लेकिन हाँ दीदी की छुट्टी हो गई है एक दिन में ही, और कल सुबह एडमिट हुई थी और आज शाम को 6 बज रहे हैं मम्मी गई हैं उनको लेने के लिए डिस्चार्ज कराने के लिए। और अभी आपको आवाज़ आ रही होगी ऊपर से धमधम की। और अभी हम बलून फुलवाए हैं बच्चों से, खाना भी जगा हुआ है उसको फीड करा दिया लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं कब रोने लग जाए, तो मैं एक दो काम कर लेती हूँ डेकोरेशन वगैरह का क्योंकि प्रिंस भी आएगा और बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे फिर अच्छी तरीके से। क्या क्या हो गया? ये तो बैलून फूल चुके हैं। और क्या बोलते हैं अभी टेप टेप कहाँ है? टेप का पता है? टेप यहाँ टंगी हुई थी वैसे। तू एक काम कर, एक बार नीचे नानी वाले फ्लोर पे चेक कर क्या टेप का छोटा देख, डेकोरेशन कर रहे हैं ना सब जगह। ले बाबू ये पकड़। मुझे
मौसी जी नमस्ते। मुबारक हो। मुबारक हो तुम्हें भी। बैठो। ज्यादा हिली नहीं हो रही है। एक ये वाली भी चलाओ, इधर की सारी लाइटें जला दो ना, सारे बटन खोल दो तुम एक तरफ से। ये वाली अकेली काफी है बस। वो जो है ना उसमें वो थी एक, वो गणेश जी जो थे टिक्के से करने वाले, वो पता कहाँ रखे हैं कुछ? Happy birthday to you, happy birthday. नीचे की डेकोरेशन तो बना के ना क्या था भैया, दो जो वाले दिन तो वो दीदी ने करा था टिक्का लास्ट टाइम। ये नहीं नहीं बाबू, छोटा सा गणेश जी ना रखा होगा। ऊपर भेजा है मैंने उसको, ऊपर हिल लो। टेप कहाँ है? वो टेप ऊपर है। टेप का क्या करोगे अभी, चिपक नहीं रखी है? आप ले आओ। आपने मुझे एक बार भी विश नहीं करा है? मैंने सुबह कर दिया था। सुबह सुबह का क्या मतलब होता है? तो दिन भर करता रहूं और क्या। हैप्पी बर्थडे टू यू। वो प्रिंस निकल चुका है। हाँ आपका एक काम तो निपटा ही दिया उसे बाहर जाने का। नहीं करेंगे यहाँ पे। हट जैसे हट, जल्दी हट। रुक जाओ अभी, पहले फूल तो डाल दूँ मैं। कहना तेरा भैया रो रहा है, उसको चुप करा। एक दूसरे को चुप करा लो भैया, बस सब खुद ही खुद ही चुप हो जाए। बुला लो भैया, गिर रही है। यहाँ भी फोटो वोटो खींचनी है पीछे। यहाँ खड़े करके ना, यहाँ भी फोटो खींच देना। आयो जी आयो, बैठो। टिक्का जी मारे ऊपर करेंगे ताकि सब बैठ तो जाएंगे आराम से, देखेंगे तो। हाँ गली में नहीं तो भीड़ सी हो जा। हाँ भाई डॉक्टर अरे भैया मामू भी आ गए बालकों के। हेलो हेलो प्रिंस, कैसे हो आप? बैठो चलो चलो, छोटा मामू भी आ गया, सही टाइम पे आया प्रिंस एकदम। बैठो बैठो जीजू के भी छू। उसे देखने लग गया पहले। ये उठाओ सर को। हां ऐसे बैठो। फोन आप ले लो, सिर्फ बस मेरा बाबू बस। बाबू आ गया।
छोटा बाबू आया। चलो सब खाओ बिस्किट। चलो यहाँ भी फोटो खिंचाओ, यहाँ खिंचाओ फोटो, यहाँ खड़ो। छोटे बाबू आए, छोटे बाबू आए, छोटा बाबू आ गया। हट जाओ, छोटा बाबू आ गया। तुम तो बनाओ ना, छोटा बाबू आ गया। छोटा बाबू आया, छोटा बाबू आया। दादू का बाबू है, दादू के दो बंदर है, एक बंदर का नाम राम है, एक बंदर का लखन है। ये दादू के दो बंदर है भाई, दो बंदर है ये। एक बंदर का नाम है राम, एक बंदर का नाम ले लो आराम से। हाँ चलो चलो भाई, भाई चलो चलो भाई चलो। उन्हें भाई घर पे आ गए, घर पे आ गए बाबू, जो घर पे आ गए। भुक्की भुक्की होली मेरी बाबू, भुक्का भुक्का होगा बाबू। बोले देखी हो अभी, देखो देखो क्या हो रहा है। मम्मी बैठाओ भाई को, भाई को लुटाओ। भाई को लुटाओ, काला को उसे छोटे वाले भाई को ले तो रहा भाई लुटाओ। हाँ तो लत्ते कपड़े बिछाओ उसके, एक ना इसका अंश ले लेंगे। हाँ लुटाओ इसे भी, चल लेके चल लुटाओ। तुम अपने कौन सा खैच फोटो, ये रख दो, जो तो रख दो, वहाँ रसोई में रख दो, कहीं भी रख दो, या अपने कमरे में रख दो। क्या हो गया, बैठ गए, बैठ जा यहीं, बैठ जा यहाँ, यहाँ बैठो। देख नीचे केक रखा, बुला के फ्रिज में रख दे। आराम से लेके आई, मिल जा मेरा। बाज भैया क्यों रो रहा है, गई गई क्या बाबू? ठीक है तू, नमस्ते। अब ध्यान आया तुझे है? बेचारा मैं भी बिजी था, बिजी था। और चूड़ी पी रहे थे। अजी हाँ, नानी को बता दिए थोड़ी देर में। वो जो चाय डाल ली थी, अब गरम कर लो दोबारा से। नाश्ता देगा ना, वो क्या बस सारे हाथ पांव खिला रही है।